क्षेत्राचा फटका काय असतो, खराब क्षेत्रक्षण आपल्याला स्पर्धेबाहेर जाऊ शकतो आपण, ते आपण त्याचा प्रत्यक्षिक किंवा त्याचं आखोदेखा हाल अगोदरच्या सामन्यामध्ये बघितला होता. तर तो विचार करता क्षेत्रक्षणाचा थोडासा विचार करेल प्रत्येक संघ. जय विश्वकर्मा पुन्हा येतोय ऑन साईडला, फक्त फ्लिक करतोय चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेगवरनं क्षेत्रक्षकामध्ये येतोय. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केली जाते. दोन्ही मोठे संघ आहेत, खुशी इलेव्हनचा संघ आहे, त्याच्यासमोर माजीत इलेव्हनचा हा संघ आपण बघतोय. झेर भाई सही कहते हैं, दोनों टीमें पैक किच की तरह इस मैदान पर है. एक अच्छा मुकाबला देखने की अपेक्षा जैसे हमारे दर्शकों को रहती है वैसा अपेक्षा हमें रहेगी. अगली गेंद जय की, बड़ा शॉट खेलने के मिस कर गए, गेंद जाती हुई मिड ऑफ क्षेत्र में, मिड ऑफ के खिलाड़ी जाकर उस गेंद को फिल कर पाएंगे. एक रन आसानी से पाई का इशारा अंपायर गंभीर सर जी के द्वारा आता हुआ. एक रन के साथ रन संख्या जहाँ पहुंचे हुई चार रनों पर बिना कोई नुकसान के खुशी इलेवन टीम की. माजी तिलेवन टीम पहले बल्लेबाज फील्डिंग करती हुई नजर आती हुई, पांच रन होते हुए माफ करिए, गुड स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे बल्लेबाज. दोनों पैकेज की तरह इस मैदान पर टीमें इस मैदान पर उतरी है. बेहतरीन बड़ा शॉट गुरु के बैट से निकलता हुआ, गेंद हवा में मगर खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. लाजवाब शॉट, कम ऑन डीजे. सामन्यामध्ये ते बघतोय, पहिल्याच चेंडूवरचा झेल सुटला, त्याच्यानंतर एक मोठा फटका षटकार आपण बघितला पाचव्या चेंडूवरचा. धावसंख्या जवळपास जाऊन पोचलेली आहे ती 11. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. नंदन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होताना बघतोय या खेळाडूला, म्हणजे धानवीच्या संघाकडनं खेळताना भरपूर वेळा बघितले जाईल भाई, गावदेवी धानवीच्या संघामध्ये जयला सुद्धा आपण बघितले. नंदन सज्ज होतोय. आज बघतोय आपण माजीद इलेवन संघाकडनं या संघाला खेळत असताना. समोर संघ आहे खुशी इलेवनचा संघ, पहिल्या षटकामध्ये 11. जर ही सरासरी कायम राखतोय तर 33 वरती, पण ती सरासरी कायम राखण्यासाठी त्या पद्धतीने खेळ व्हायला हवा, तसा खेळ होईल का? बॅटच्या खालच्या टोकाला लागतोय धाव घेण्याचा प्रयत्न, लगेच क्षेत्रक्षण होते फॉलो थ्रूमध्ये. नंदन मात्र इथे धाडतोय फलंदाज मोहनला माघारी. क्षेत्राची रचना जर आपण बघितली, ज्या पद्धतीने राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा होतोय, कोण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय, एक अँगलने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होतोय तो नंदन यांचा, नवीन गेलेला फलंदाज कोपरी मेळा, कोपरी आणि मेळा संघ. चला तुरी टॉस आडिया ऑस्ट्रम के बहुत ही बार गेंद, खराब गेंद का बदला नजीजा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. दिशाही गेंद इस मैदान पर देखने को मिलती हुई, वाइट का इशारा आता हुआ. एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जा पहुंचे हुई 12 रन पर. अगली गेंद गुरु खिलाड़ी हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन रीजन पर, गेंद हवा में मगर उस कैसे खिलाड़ी बहुत दूर रहेंगे. लॉन्ग स्विंग गिरती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील करके थ्रो जाएगा, दो रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था. इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचते हुई 14-14 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर खुशी इलेवन टीम की. सुमन सर जी क्या कहेंगे, पहला विकेट जहाँ पर बॉलर थ्रो में गेंद को फील किया जाया था नंदन द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? अनखीच त्या दिशेने आपण जाऊया.
अकुटा पे चेंडू शॉटम पुल करने का प्रयत्न, चेंडू उंच वेत है, क्षेत्ररक्षक येतो आहे, जय पोहोचतोय चेंडू खाली, अरम्मत झेल टिपतोय, एक चांगला सुरेख झेल टिपतोय, जय विश्वकर्मा धरतोय गुरुलग तंबूच्या असल्याला, धाव संख्या असताना 14। स्पोर्ट्स क्लब कोपरी आणि मेढा संघ आपल्या कर्णधाराला एक विनंती आहे, चला आपण जे मुख्य समाज कक्ष आहे त्याच्या दिशेने यायचं आहे। तर पुन्हा एकदा आपण जातोय सामन्यापर्यंत। झहीरभाई पहिल्या षटकामध्ये 11 गेल्यानंतर नंदनने थोडस धावसंख्येला ब्रेक लावलाय, पहिल्या 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 4 जवळपास 3 धावा, फक्त 3 धावा खर्च करतोय हा गोलंदाज नंदन। आणि खास वैशिष्ट्य असं सलामीची जोडी तंबूच्या असलेला, सही का सर जी आपने, लाजवाब फील्डिंग और उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी और कैच का विकेट भी आपने देखा, कैच बेहतरीन जय द्वारा, शॉर्ट गेंद थी बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद। नंदन ने बैकअप किया अपने टीम के लिए, पहली ओवर में 11 आने के बाद उस मैदान पर सोचा कि गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाए, कप्तान ने और नंदन के हाथ में गेंद को दिया और उसके बाद नंदन खड़े उतरते हैं अपने टीम के लिए और शॉर्ट गेंदी पुल करना चाहते थे, रफ्तार से निकलते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में, क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर नंदन द्वारा देखने को मिलता हुआ, कौन सा जी क्या कहेंगे गेंदबाजों के द्वारा? नहीं अपन पहले दिवसापासून म्हणतो की खेळपट्टी गोलंदाजाला काय मदत करते, ही विकेट्स बॉलर साठी काय बेनिफिट घेऊन घेते, तो बाउन्स असर बॅटने खेळतोय चेंडू, वाईडिश लॉंग ऑफला जातोय, क्षेत्ररक्षक आहे कलबा यांना बघतोय, क्षेत्ररक्षण करताना एकच धाप, सुरेख षटक हाताळले दुसरं, फक्त या षटकामध्ये 4 धावा खर्च करतोय, एक धाव बाद, एक झेल बाद, 2 गडी बाद होतात या षटकामध्ये, 2 षटकांचा खेळ संपलाय, 7.5 सरसरीने हा संघ पुढे जायला, पहिले षटकात 11, आता फक्त 4 धावा या षटकामध्ये। डीजे धावा पूर्ण केल्यात ही सरासरी कायम राखेल का, या सरासरीने धावा उभारल्या जातील का? कारण नेहमीच आपण म्हणतो स्टार्ट जो मिळतो ना तो स्टार्ट पुढे कॅरी व्हायला हवा, स्टार्ट पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चालायला हवा, पण काय घडलं बघा, स्टार्ट का थांबला, धावा का रोखल्या गेल्या, तर ते 2 विकेट्स 2 गडे जे बाद झाले तिथून थोडासा पाठीमागे येतोय, शेवटच्या 7 चेंडूचा खेळ शिल्लक, किमान 12-15 धावांची आवश्यकता खुशी इलेव्हनच्या संघाला। अकुटब्याचा चेंडू, हा चेंडू मात्र उडतोय आउटसाइड एज वरची कडा आणि चेंडू जातो या दिशेने, गडी बाद होतोय 3। सोनू गेंदबाजी करने हैं, पहली गेंद पर सफलता हासिल लेते हुए रवि नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल होते हुए, आप 5 गेंदों में दुवेदार बल्लेबाजी, आपने सही कहा कि 12-15 रन इस मैदान पर बनाने चाहिए, आपके गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या इस मैदान पर होगी ना तो आपके गेंदबाज भी इस मैदान पर लड़ सकते हैं, मगर गेंदबाजों की बात की जाए नंदन ने आते साथ पहली ओवर में दूसरी ओवर में पहली गेंद पर रनआउट का विकेट लिया, दूसरी गेंद पर कैच देखने को मिला और एक विकेट जो 2 गिरे हैं ना तुकाराम सर जी, वो 2 विकेट का प्रारंभ इस मैदान पर खुशी 11 टीम के लिए लगता हुआ। एक अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं तमाम दर्शकों के बीच चलता हुआ, क्रिकेट प्रेमी के सभी खिलाड़ी चाहते इस मैदान पर जरूर पहुंचे हैं, तमाम टीमों का भी हम दिल के गहरे से इस्तकबाल और स्वागत करना चाहेंगे नारंगी की जानिब से और पाटिल परिवार की जानिब से। शॉर्ट गेंद दिया इन टेबे बल्ले को रखा, गेंद शॉर्ट टर्नमेंट पर जाते हुए जहाँ पर गेंद को फिल कर जाते, एक रन आसान से पूरा होता था, एक रन के साथ रन संख्या जहाँ पहुँचते भी 16 रनों पर, 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी खुशी इलेवन के बल्लेबाजों के लिए, आप घेर खोलने होंगे, 4 गेंदों में 2 तो बड़े शॉट इस मैदान पर लगाने होंगे खुशी के बल्लेबाजों को, मगर इस मैदान पर करने देंगे गेंदबाज, ये तो आने वाला समय तय करेगा अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती भी। ओहो बेहतरीन चेंजअप पेस गेंद दी ऑन साइड, खेलना चाहते थे गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद, आने वाली 3 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी रहेगा। चला दोन्ही संघाला कॉल कर केला गेला टॉस कर दिया अशी तुम्हाला विनंती करतोय, अगली गेंद
ऑफ स्टंप आकर खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पर लगी, बल्ले पर अंपायर कहेंगे आई, मगर जब तक गेंद को फील किया जाता बैकअप अच्छा था वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा। बैट का एज लगकर गेंद शरीर पर लग के ट्रैवल होती हुई इस वाला क्षेत्र में एक रन के साथ रन संख्या 17 रनों पर नंदन की गेंदबाजी का बैकअप इस मैदान पर जलवा देखने को मिलता हुआ। क्या गेंदबाजी नंदन ने इस मैदान पर की है, मगर आने वाली दो गेंदें क्या ये इस बल्लेबाजों के लिए या फिर गेंदबाजों के लिए रहेगी? दो गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी रहेगा। चेंजअप गेंद को मोड़ दिया इस वाले क्षेत्र में, गेंद हवा में है, वहां पर जय वहां पर हाथ खिलाड़ी और कई गलती नहीं होती हुई, जय ने वहां पर दो कसरा कैच पकड़ते हुए विकेट नंबर का पतन होता हुआ और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। शेवटचा चेंडू यश विनिंग मधला आपण पाहतो, तर पहिला विनिंग आपण चालू असताना आखिरी गेंद इस मैदान पर राइट टर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, ओहो लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर, गेंदबाज की तारीफ की जाए उतनी कम होगी और एक विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या अपनी जगह पर रुके हुई 17 रनों पर। 18 रनों का योगदान रहेगा मुकाबला जीतने के लिए माजिद 11 टीम के लिए, एक बिग फाइट बिग लेडर स्कोर है ये रन संख्या के पास, आपके पास ताकत क्षमता रहनी चाहिए, गेंदबाजी अच्छी होगी इस मुकाबले को भी आप जीत सकते हैं, मगर बल्लेबाजी कैसी होगी माजिद 11 की जानिब से ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर तुकाराम मांगेला सर जी। नक्कीच मी जाणार आहे, परंतु तिथे नाणेफेकीचा कॉल होतोय दोन संघादरम्यान, श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स क्लब कोपरी आणि मेड्याचा संघ या दोन संघादरम्यान नाणेफेक होते। श्री गोविंद पाटील नारंगी ग्रामस्थ क्रीडामध्ये सदस्य, पुन्हा एकदा मास्टर खेळाडू चंद्रकांत मांगेला त्याच्या जोडीला मोतीराम मांगेला आहेत, यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाते। दोन्ही संघ कॅप्टन कोपरी मेडा नाणेफेकीचा कौल जातोय मेळ्याच्या बाजूने जातोय, पायचा निर्णय काय होता? दोन्ही संघांना अधिक शुभेच्छा, एक धून घेऊया आणि परत नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारतोय मेळ्याचा संघ आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करवा लागणार आहे ते श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स क्लब कोपरीच्या संघाला। त्या सामन्यावरती सुद्धा जाऊया, पण तू तर या सामन्याचं थोडंसं आपण नीट अवलोकन केलं, थोडंसं निरीक्षण केलं ना, काय बिघडलं काय चुकलं या खुशी 11 संघाचं? तर तो स्टार्ट होता ना, तो स्टार्ट पुढे कॅरी फॉरवर्ड होऊ शकला नाही, स्टार्ट पुढे चालू शकला नाही। 11 धावा पहिल्या षटकामध्ये आणि उर्वरित दोन षटकामध्ये फक्त 6 धावा, म्हणजे खास बेसिक्स सिंगलवरती सुद्धा नाही गेले आणि ते कारण असावं इथे फक्त 17 धावा करू शकला आणि 18 चेंडूमध्ये 18 धावांचं आव्हान समोर ठेवलंय माजिद 11 संघासमोर। जय भाई सही कहा कौन सर जी, यहाँ पर दो बल्लेबाज आउट होने के बाद तो थोड़ा सा मैनू तो गिरा और उसके बाद बल्लेबाजी इस मैदान पर रुक कर हुई नहीं, सिंगल डबल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो यहाँ पर हमें 25 या 26 रन देखने को मिल जाते, मगर जो 11 के रन रेट से स्टार्ट हुआ था उसके बाद नंदन आए गेंदबाजी पर और बल्लेबाजों पर ब्रेक लगाया, अपने ब्रेक टू दिलाया और वो ब्रेक टू बहुत ही सफल जारी होता हुआ इस मैदान पर नजर आया। मगर आइए जयकर्मा स्ट्राइक पर देखने में, जय स्ट्राइक पर देखने मिलेंगे गेंदबाजी पर, गेंदबाज तैयार होते हुए बॉलर्स ने प्लीज खुशी 11 टीम प्लीज बॉलर्स ने प्लीज भरत देते हुए गोलंदाजी करना साड़ी, जय स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे 18 चेंडू 18 दावांची गरज माजिद 11 टीम के लिए। बेहतरीन गेंद फ्लिक करना चाहते थे जमीनी शेयर करते हुए गेंद फाले के क्षेत्र में ट्रैवल होते हुए जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या का आगाज होता हुआ और जय पहुंचे एक रन पर, टीम को पहुंचाया एक रनों पर, 17 गेंदे 17 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए माजिद 11 टीम के लिए। सोनू स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने क्या ओवर अपनी टीम के लिए फेंका था इस मैदान पर, मगर अब बल्लेबाजी में क्या जलवा इस मैदान पर दिखा पाएंगे सोनू? अगली गेंद खेलने के तैयार सोनू, राइट लेफ्ट ओवर द विकेट से गेंदबाजी होती हुई और बेहतरीन शॉट गेंद जाते हुए इसको अलग क्षेत्र में डीम इसको अलग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है मगर कोई रन रोकने में नाकाम रहेंगे, एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला टीम को पहुंचाया 2 रनों पर मनु और जय, ऐसी सलामी जोड़ी माजिद 11 टीम के लिए। एक अच्छा मुकाबला नारंगी के इतिहासी मैदान पर, अगली गेंद जय के लिए आती हुई
बड़ा शॉट खेलने के गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं कर पाए, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपते हुए डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का नजारा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ। पहला ओवर फकत ही पर है, सुंदर सा फटका चेंडू जातो तो आउटसाइड ला क्षेत्र पंत एक धाव पूर्ण केली जाते है, एक धावानी संघाची धावसंख्या आकार नहीं देते, धावसंख्या होती थी 3-4 चेंडू का खेल पूर्ण होते, अभी भी 15 रनों की दरकार है, 14 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी, सोनू स्ट्राइक पर देखने को मिल जाएंगे। तमाम आयु क्रिकेट प्रेमी का, तमाम दर्शकों का, हमारे मेहमानों का, हमारे कमेटी मेहमान का दिल के गहरे से इस्तकबाल और स्वागत रहेगा। और एक बड़ा शॉट गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, विकेट गिरता हुआ, सोनू की घेरी को विराम लगता हुआ, एक संगीत मैदान पर आता हुआ। नए बल्लेबाज काजू आए मैदान पर अगली गेंद खेलने के लिए, एक ब्रेक टू इस मैदान पर गिरा है, देखना होगा इस मैच में पलटवार हो पाएगा। ओ स्ट्रेट ड्राइव केला बॉलर के बाजू से गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ रिजल्ट पर, जब तक खिलाड़ी रवि उस गेंद को फील कर पाते, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ इस एक रन के साथ। बारह गेंदे 14 रनों की दरकार है, 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज या सामना जिंकण्यासाठी। माजी इलेवन या संघासाठी रवी येतोय संघासाठी, दुसरा व्यक्ती आपला पहिला षटक घेऊन काजू स्ट्राइकला नॉक स्ट्राइकला आपण पाहत होतो। जय चला, यानंतर होणार सामना आपण नक्कीच पाहणार आहोत। सत्यनारायण कोपरी या संघाला फलंदा क्षेत्रक्षेत्र करायचं आहे, बहुत ही बड़ा मुकाबला, आज का तीसरा मुकाबला इस मैदान पर आप देख रहे हैं, इसके बाद चौथा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा दूसरा फेरीतला, अपन तो सामना पाना रहता कौन सी टीम आज तीसरे फेरी में जाएगी, चौथे फेरी में, और कौन सी टीम यहां पर क्वालिफाई की जाएगी ये भी देखना होगा। अगली गेंद काजू के लिए रवि द्वारा, ओहो चेंज अप गेंद, बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और एक बड़ा झटका माजिद इलेवन टीम को लगता हुआ, कम ऑन डीजे। श्री डीजे वाकी में, और काजू बड़ा विकेट इस मैदान पर रवि को प्रेशर होता हुआ, और अब नए बल्लेबाज आसिफ मैदान पर आते हुए, चलिए देखना होगा आसिफ कौन से अंदाज में इस मैदान पर बल्लेबाजी करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। 11 चेंडू 14 धावन की गरज है, मैंने कहा था ना कि आपको मेहनत करनी होगी, सफलता आपके आप चलकर आपके पास आएगी, मेहनत करने वालों को ऊपर वाला सब कुछ दे जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर मेहनत करते भी खुशी लेने के गेंदबाज और मेहनत करनी होगी। छोटी रन संख्या आपको लिए नहीं, तमाम क्रिकेट प्रेमियों को महंगी लगती है, सस्ती नहीं लगती, इस मैदान पर आसानी से रन की जाती है बड़ी रन संख्या, मगर देखना होगा ये छोटी रन संख्या के लिए लड़ना झगड़ना पसीने गंवाने पड़ते। बेहतरीन शॉट पॉइंट और कवर के बीच में से, जब तक खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते दूसरे रन की मांग होगी, और दूसरा रन भी आसानी से पूरा करेंगे आसिफ और जय, इस दो रन के साथ रन संख्या डबल 6 रनों पर जाती हुई। 10 गेंदे 12 रनों की दरकार है, रवि वर्सेस आसिफ इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे, मगर क्या आसिफ इस मैदान पर बेहतरीन शॉट, शॉट गेंदी बैकफुट पर गए, जगह बनाई, देखा कि कवर और पॉइंट छूटा है, और उस खिलाड़ियों के बीच में से गेंद डीप कवर और पॉइंट पर क्षेत्र में जाती हुई नजर आई।
ओहो लाजवाब गेंदबाजी, थोड़ी सी गेंद ने उछाल ली, ऑन साइड खेलना चाहते थे आसिफ, बैट और गेंद का फिर से संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद है। क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ, नौ गेंदे अभी भी 12 रनों की दरकार है। दिल थाम के मेरे दोस्त, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन रखिए, मुकाबला ऑन है इस मैदान पर। शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, डीप कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक रन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, दूसरे रन की भी मांग है और दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ। इस दो रन के साथ रन संख्या जा पहुंचते हुए डबल फिगर पर 8 रनों पर, माफ करिए, अभी भी इस मैदान पर बात की जाए तो 10 रनों की दरकरार है। गेंदे आने बाकी है मैदान पर, 8 गेंदों का खेल आना बाकी है, 8 चेंडू अनि दादावा, ये दोनों चेंडू ना खूब निर्णायक सही धोनी संघा साड़ी। आसिफ स्ट्राइक पर है, 4 रन पर बल्लेबाजी करे, 3 गेंदों का सामना किया, रवि की अगली गेंद आसिफ के लिए आती हुई, लाजवाब शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा गुरु द्वारा, एक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। मगर आइए, अभी भी इस मैदान पर 7 गेंदे 9 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए, जय स्ट्राइक पर देखने को मिल जाएंगे। आसिफ की बात की जाए तो वाकई में वसई का मैदान, वसई फाटा का मैदान क्या गजाया था ये बल्लेबाज ने, चिमाजी अप्पा मैदान पर बल्लेबाजी का जलवा हमें देखने को मिल गया था, मगर आज खरी परीक्षा होगी इस मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अगली गेंद इस मैदान पर रवि के द्वारा, जय के लिए आती हुई शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया, पावरफुल सक्सेसफुल एंड वंडरफुल, कम ऑन श्री डीजे। तीन रनों की दरकार है 6 गेंदों पर, रवि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इस गेंद को जय ने देखा कि शॉर्ट गेंद ही ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को पुल कर दिया, पावरफुल एंड सक्सेसफुल वंडरफुल शॉट देखने को मिला जय द्वारा। और वाकई में बड़ा बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को दिए, अभी भी बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा, गेंदबाजी का जलवा, उसके बाद फील्डिंग आपने देखी, ऑलराउंडर खिलाड़ी सितारे। चलिए विनिंग शॉट इस मैदान पर देखने को मिल जाएगा आसिफ द्वारा, अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, लेक्सम के बहुत ही बाहर, गंभीर सर घूमेंगे, वाइट का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जा पाती हुई 1616 16 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर माजी इलेवन या संघा थी अपन पाते हुए अधूनी एनआर 7 चेडू 2 दावन जी गलत या सामना साड़ी माजी इलेवन या संघा साड़ी। ऑफस्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ, दिशाई गेंद के साथ यहां पर ये गेंद आपको इस मुकाबले में रुकने नहीं देंगी, क्योंकि कहेंगी कि आपने गेंदबाजी खराब की इस मैदान पर। 6 गेंदे 1 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए, अगली गेंद आसिफ के लिए इस मैदान पर, बड़ा शॉट खेलने गए, ये टप्पा होना चाहिए था, ये गेंदे 2 अगर वो डॉट होती ना तो अभी भी आपके पास 3 गेंदे और 3 रनों की दरकार रहती, मगर अब 5 गेंदे और 1 रनों की दरकार है, आसिफ स्ट्राइक पर है, अगली गेंद आसिफ खेलने के तैयार। हल्का से खेला, गेंद कवर थोड़ी सी मिस फील होती हुई और 1 रन आसानी से पूरा था, ये गेंद को रोकना चाहिए था, हाथ लग यहां पर, आपने बेहतरीन खेल खेला, आपका तिल के घेरा से इस्तकबाल रहेगा, खुशी ले।